कर्नाटक की जनता के लिए आज हिसाब किताब का दिन है। 5 वर्ष का हिसाब लेने वाली है जनता, क्योंकि इससे ज्यादा भ्रष्ट, इससे ज्यादा निकम्मी सरकार कर्नाटक राज्य ने कभी नहीं देखी थी। और इसका सबसे बड़ा जो मैं आंकड़ा देता हूँ वो ये है कि रिसेंटली ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम 5,200 करोड़ रुपए का के केसेस बनाए, और जो प्रमुखता कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर बने, तो 5,200 करोड़ तो जो ये इस पर तो केस बन चुका है, रजिस्टर हो चुका है। आप मान के चले डबल द प्राइस, मतलब 10,000 करोड़ रुपए का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने लगभग किया है इस चुनाव में। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जो कैश क्रंच हुआ था भारत में, 2,000 के जो नोट्स हैं उसकी स्टॉकिंग की गई, और पूरे देश से अपने कार्यकर्ता अपने अधिकारियों के माध्यम से कर्नाटक ले जाया गया। क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि उनका जो एटीएम है आज की तारीख में वो माइनिंग वाला कर्नाटक है। और तब यही कारण था कि आनंद सिंह जैसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से माइनिंग शाम दाम दंड भेद सारी नीतियों का उपयोग हो रहा है। और आप देखिए 2 दिन पहले ही कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उनको क्या मजबूरी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने केस रजिस्टर किया ब्राइब और वोट्स के नाम पर। वो जिस प्रकार से कांग्रेस के लीडर्स के घरों में लगभग 10,000 वोटर आईडी प्राप्त होना, टी शर्ट प्राप्त होना, टी शर्ट में बाकायदा प्रकाश जावड़ेकर जी की तरह आप झूठ बोल रहे हैं, वो तो सिद्ध हो गया है। भाजपा के नेता थे, थोड़ी सी आपकी जानकारी अपडेटेड है, थोड़ा सा जानकारी करके लाए। आप पुरानी बातें ना जहां पर टी शर्ट से काम हो चुका है, टी शर्ट की वो हर रात के भाजपा के लीडर का घर था, आपके ही टिकट पे वो चुनाव लड़ चुके हैं, आप तो बड़े लीडर हैं, मजाक बना दिया डेमोक्रेसी का। और आज जनता जो है बात तो सुन रही है, अरे कैसे सुन ले जी, बात तो सुन लो, आप झूठ बोल रहे हो, सच्चाई कोई बता रहा होता तो सबसे ज्यादा आप चिल्लाने लगते हो, जानकारी झूठ जानकारी देते हो। अच्छा आप जो बोल रहे हो सही और दूसरा बोल रहा है झूठ, तौर पे आप बता दीजिए शर्मा जी, आप वो जो वोटर कार्ड मिले जो आपके आज 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 जनता भाजपा के नेता थे या नहीं थे, मैदान में जो चुनाव हो रहा है कर्नाटक के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया कि नहीं किया, वोट देना है, 5 साल आपकी सरकार चल रही है, कौन सा आपने जागरूकता कार्यकर्ता भेज दिया जी, जहाँ जो रह रहे थे वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के यहाँ पर रेड होती है, कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ताओं के इनकम टैक्स के सीजर्स होते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है। और जहाँ जो टी शर्ट मिलती है उसमें बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के कैंडिडेट के फोटो बने हुए हैं, तो दिस इज स्पेसिफिकली शोज की क्या चल रहा है ये ड्रामा। और यहाँ तक कि आप बताइए इलेक्शन कमीशन को मुख्यमंत्री के चौपर को चेक करना पड़ता है, मतलब इलेक्शन कमीशन को कितना ज्यादा भय है, क्योंकि जिस प्रकार से धन बल का उपयोग हो रहा है, धन पटुओं का उपयोग कर रही है कांग्रेस, वो वास्तव में निर्लज्जता का नंगा नाच हो रहा था कर्नाटक।